हे गाइस वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय योर स्कूल हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स आई होप यू आर फीलिंग वेरी फाइन माय डियर स्टूडेंट्स वी आर रीडिंग दी थर्ड यूनिट फ्रॉम योर इंग्लिश बुक टीचर्स ऑफ इंग्लिश और इस थर्ड यूनिट में वी आर रीडिंग फैंटेसी फिक्सन एंड वंडर इसका पहला चैप्टर हमने पढ़ा था द मैनी क्वीन दैट लिव्ड ये एक फिक्शन से भरा हुआ चैप्टर था इसमें बताया गया था कि किस प्रकार एक अलौकिक शक्ति ने मोम के पुतले में एक जान डाल दी थी अब हम सेकंड जो सेक्शन है इसका सेक्शन टू उसमें ऐसी ही एक और वंडर और फिक्शन की कहानी पढ़ेंगे यहाँ पर है टू मच टी डब्लू ओ टू मच ना कि टू मच टी डब्ल ओ नहीं है टी ओ टू टू का मतलब क्या है बेटे दो और टी डब्लू का टू का मतलब होता है भी तो टू मच का मतलब तो होता है बहुत अधिक लेकिन यहां पर जो टी डब्लू ओ टू है टू मच का मतलब है दो ही काफी टू मच दो ही काफी मच्छ में जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं एक बुजुर्ग महिला है और ये जो बुजुर्ग महिला है ये है मिसिस फर्नैंडिस ये बूढ़ी जो महिला है ये मिसेज फर्नेंडिस हैं और इसने एक स्कूल स्थापित किया था स्कूल खोला था और उसका आज स्थापना दिवस है तो पिछले पैंतालीस सालों से वो इसी प्रकार से स्थापना दिवस के दिन बुलाई जाती हैं स्कूल द्वारा और उनका अभिनंदन समारोह होता है तो आज भी वो स्कूल में चीफ़ गेस्ट के तौर पर आई हुई हैं इसकी मुलाकात एक नीली ड्रेस और सफ़ेद रिबन वाली लड़की से होती है जिसका ऊपर का एक दांत निकला हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी मुलाकात होती है ये लड़की बड़ी चंचल है बड़ी अच्छी लगती है मिसिस फर्नेंंडिस उससे पूछती है कि आप कौन हैं तो बताती है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ आई हूँ और यहाँ पर स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आई हूँ क्योंकि मेरे पापा का यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है तो हम यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए मैं आई हूँ उसके बाद ये लड़की चली जाती है फिर मिसिज फर्नान्डिस की मुलाकात एक दूसरी लड़की से होती है ये जो दूसरी लड़की है ये सेम उ वही की वही है लेकिन देखो इसका नीचे का दांत टूटा हुआ है उस लड़की का ऊपर का दांत टूटा हुआ था उसने व्हाइट रिबन अपने बालों में लगा रखा था इसने ब्लू रिबन लगा रखा है तो मिसिज फर्नान्डिस इसको फिर भी वही समझ बैठती है कि ये लड़की वही है लेकिन ये शायद अपने ड्रेस चेंज करके आई है लेकिन इसका दांत कैसे मिस हो गया इसका तो पहले ऊपर का मिस था अब नीचे का मिस है तो फिर दोबारा से सफ़ेद वाइट रिबन वाली लड़की से फिर मुलाकात होती है तो ये ऐसमंजिस में पड़ जाती है कि बार बार ये लड़की अपना दांत कभी ऊपर का मिस करके आती है कभी नीचे का मिस करके आती है ये है क्या तो लास्ट में हमें पता चलेगा कि ये क्या सारा मामला था तो हम पढ़ रहे हैं बी सेक, सेक्शन में सेक्शन बी में टू मच्स देखिए लेटर स्ट दिस चैप्टर मिसिज फर्नेडिस इज इनवाइटेड टू दी फाउंडर्स डे ऑफ द स्कूल स्कूल का स्थापना दिवस है फाउंडर डे है फाउंडर मीन स्थापना स्कूल का फाउंडर डे है स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस पर मिसिज फर्नेडिस को इनवाइटेड किया जाता है आमंत्रित किया जाता है सी फाउंडेड फोर्टी फाइव ईयर्स एगो और ये जो स्कूल है स्कूल का जो स्थापना दिवस है इस पर इसको इनवाइट किया जाता है और स्कूल की स्थापना इस मिसिज फर्नांडिस ने पैंतालीस साल पहले की थी फिर से देखिए इस लाइन को मिसिज फर्नांडिस इज इनवाइटेड टू फाउंडर्स डे ऑफ द स्कूल सी फाउंडेड फोर्टी फाइव ईयर्स एगो जिस स्कूल को उसने पैंतालीस साल पहले स्थापित किया था उसी स्कूल का आज स्थापना दिवस है और मिसिस फर्नान्डिस को इन्वाइट किया गया है सी मीट्स तारा एंड अंतारा वो तारा और अंतारा नाम की दो लड़कियों से मिलती है एंड आल्सो गेट्स ए प्लीजेंट सरप्राइज़ और साथ में उसे एक बड़ा ही सुगद अनुभव भी होता है सरप्राइज़ होता है, है हैरानी प्लीजेंट मीन सुगद उसको एक सुगद सुखद हैरान हैरानी का भाव महसूस होता है बड़ी हैरान हो जाती है और अच्छा भी लगता है उस हैरानी को देख करके तो लेट अस रीड दिस ब्यूटीफुल स्टोरी ओल्ड मिसेज़ फर्नांडिस कोट ए ग्लिम्प्स ऑफ हर सेल्फ इन द मिरर अपोजिट दी टू स्कूल जिम बूढ़ी मिसिज फर्नांडिस ने कोट ए ग्लिम्स एक झलक देखी ऑफ हर सेल्फ अपनी एक झलक देखी इन द मिरर दर्पण में अपोजिट द स्कूल जिम जो दर्पण स्कूल जिम के सामने लगा हुआ था स्कूल का जो जिम था जिम क्या होता है व्यायामशाला होती है जिम जिसमें व्यायाम करे जाते हैं एक्सरसाइज की जाती है तो स्कूल के जिम के सामने अपोजिट मिन सामने एक शीशा दर्पण लगा था उस दर्पण ने उस दर्पण में मिसिज फर्नाडिस ने अपनी झलक देखी लाइक एवरी ईयर हर साल की तरह फॉर दी पास्ट सेवनटीन ईयर्स पिछले सत्रह सालों से सिंस हा रिटायरमेंट जब से वो रिटायर हुई है स्कूल से हर आइज़ मिस्टड उसकी आंखें धुंधली पड़ती जा रही हैं विद मेमोरीज़ यादों से तो धीरे धीरे उसकी जो है यादें धुंधली पड़ती जा रही हैं हर आइज़ मिस्टड उसकी आंखों में धुंधलापन आता जा रहा है विद मेमोरीज़ मतलब जो यादें हैं वो थोड़ी फीकी पड़ती जा रही हैं सत्रह साल से टुडे इट वाज दी फाउंडर्स डे आज स्थापना दिवस था ऑफ द स्कूल सी हैज़ फाउंडेड ए वूल फोर्टी फाइव ईयर्स बैक उस स्कूल का जो उसने पूरे पैंतालीस साल पहले स्थापित किया था फिर देखिए इट वाज द फाउंडर्स डे टूडे इट वाज़ द फाउंडर्स डे आज स्थापना दिवस था ऑफ द स्कूल स्कूल का सी हैड फाउंडेड जिसकी उसने फाउंडेड स्थापना की थी ए वूल फोर्टी फाइव ईयर्स बैक पूरे पैंतालीस साल पहले उसने स्कूल की स्थापना की थी उसका आज स्थापना दिवस था शीवाज नव ए स्पेशल इन्वाइटी इन्वाइटी कौन होता है जिसको आमंत्रित किया जाता है मेहमान आज उसको स्पेशल इन्वाइट दिया गया था स्पेशल रूप से खास तौर पर उसको आमंत्रित किया गया था एन ऑनर्ड गेस्ट एक सम्मानित मेहमान के नाते ओनर्ड क्या होता है सम्मानित गेस्ट में मेहमान उसको वहाँ पर एक ओनर्ड गेस्ट के रूप में बुलाया गया था इनवाइट किया गया था हर फेस वाज रिंकल्ड उसके चेहरे पर झुरियाँ पड़ गई थी क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी हर हेयर टफ्स ऑफ वाइट और उसके बाल सफ़ेद गुच्छे में उसके उसके बाल टफ होता है गुच्छा बैठे और उसके जो बाल थे वो सफ़ेद गुच्छेदार बाल थे एंड हर वाक स्लोड और उसका जो चलना वो बड़ा धीमे हो गया था स्लोड हो गया था उसका चलना पहले वो तेज़ चलती थी अब स्लो चलती थी क्यों बाई आर्थे, आर्थेटिक, आर्थरेटिक सॉरी आर्थरेटिक होते हैं जोड़ों का जो जॉइंट जो, जो होता है उसमें पेन होने लग जाता है गठिया कह लीजिए और गठिया की बीमारी की वजह से उसकी चाल भी अब धीमी हो गई थी बट व्हील्स लेकिन साथ में हर स्टेमिना हैड इतना होने के बावजूद भी विल्स मीन इतना होने के बावजूद भी अब भी हर स्टेमिना उसकी जो स्टेमिना थी उसकी जो सहन शक्ति थी हैड डिक्रीज इतना होने के बाद उसकी सहन शक्ति जो है डिक्रीज घट गई थी एंड दी पावर ऑफ़ हर और उसकी जो ताकत थी किसकी पावर शक्ति किसकी ओफर हॉर्न रिम्ड हॉर्न रिम्ड कार थ यहाँ पर बच्चों क्या है इसका मतलब है कि सींगों वाले घेरे वाले सेंग जैसे घेरे वाले गिलासी चश्मे इसने जो चश्मे पहन रखे हैं वो सींगों जैसे ऐसे लग रहे हैं मानो हो सेंंग सींग जैसे घेरे वाले जो चश्मे हैं उन चश्मों की पावर हैड इनक्रीज वो पावर बढ़ गई थी कहती हैं यहाँ बताया जाता है कि मिसज़ फर्नेंडिस उम्र अधिक होने की वजह से उसके बाल सफ़ेद हो गए थे चेहरे पर रिंकल्ड झुरियाँ पड़ गई थी और उसकी जो चाल है वो धीमी हो गई थी क्योंकि वो जो है अर्थरेटिक जॉइंट से मतलब जोड़ों के जो पेन होता है गठिया अर्थराइटिक उस बीमारी से पीड़ित थी इस वजह से उसकी चाल धीमी हो गई थी बट विल्स्ट हर स्टेमिना है डिक्रेज यद्यपि उसकी जो सहन शक्ति है वो घट गई थी लेकिन दी पावर ऑफ हर हॉर्न रिम्ड ग्लासेस हैड इनक्रीज लेकिन सींगों की गोलाई वाले चश्मे की जो पावर है वो बढ़ती जा रही थी मतलब उसके नंबर बढ़ते जा रहे थे दिखना कम होता जा रहा था चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा था द स्कूल हैड ग्राउंड स्ट्रोंगर द स्कूल हैड ग्राउंड स्ट्रोंगर और जो ये स्कूल है ये मजबूत होता जा रहा था बढ़ता जा रहा था इसमें स्ट्रेंथ विद डीपर रूट्स गहरी जड़ों के साथ एंड हायर वॉल्स और ऊंची-ऊंची दीवारों के साथ ये स्कूल दिन प्रतिदिन तगड़ा होता जा रहा था मज़बूत होता जा रहा था सी हैड स्माइल्ड वो वो मुस्कराई सेकंड हैंड्स वो मुस्करा रही थी हाथ मिला रही थी एंड चैटिड और बातें कर रही थी एसेसेबिलिटी सहनशीलता के साथ और वह बड़ी ही सहनशीलता के साथ बातें कर रही थी चैटेड चैट असेसबिली होता है सहनशीलता के साथ विद डजन्स ऑफ ईगर स्टूडेंट्स उसके आसपास दर्जनों बड़े ही उत्सुक स्टूडेंट्स खड़े थे ईगर मीन उत्सुक उतावले उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे तो उन स्टूडेंट्स के साथ वह असेसबली बड़ी ही सहनशीलता के साथ चैटिड बातें कर रही थी ए बेल हैड रंग तभी एक घंटी बजी समवेयर स्कूल में कहीं घंटी बजी एंड ग्रुप अराउंड हर और उसके आसपास जो स्टूडेंट्स का ग्रुप खड़ा था डिस्प्रेस्ड, वो गायब हो गया या बिखर गया चला गया डिस्प्रेस्ड का मतलब है जो है निकल जाना डिस्प्रेस्ड, रिग्रेटफुली, रिग्रेटफुली मीन कह लीजिए अफसोस बस और क्योंकि उन बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा था इससे बात करना जैसे ही घंटी लगी तो सारे बच्चे बड़े रिग्रेटफुली अफसोस जताते हुए वहाँ से निकल गए ओ हो घंटी बज गई नहीं तो हमसे आप आपसे और बात करते प्रोमिसिंग टू सी हर अगेन और वादा करके निकल गए सारे बच्चे कि वो जल्द उससे मिलेंगे एट दी फ्लेक्सीसन फंक्शन फ्लेक्सीसन फंक्शन क्या होता है जो अभिनंदन समारोह है उसमें फिर से मिलेंगे बच्चे ये कह कर के कि अभिनंदन समारोह में फिर से मुलाकात होगी वहाँ से निकल गए सी स्टूड वाचिंग वो खड़ी खड़ी देखती रही दी क्राउड ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की भीड़ को पैकिंग दी कॉरिडोर्स कॉरिडोर में भरते हुए कॉरिडोर क्या होते हैं ब्रामडे स्कूल के ब्राह्मडे में भीड़ बढ़ती जा रही थी भीड़ भरती जा रही थी ए सी ऑफ यंग फेसिस युवा चेहरों का एक पूरा समुंदर उमड़ पड़ा था विद ए सिंगुलर intention और सबका एक ही इरादा था सिंगुलर मीन एकमात्र इंटेंशन इरादा था सब बच्चे क्यों जा रहे थे एक सिंगल इरादा लेके जा रहे थे टू रीच क्लास ऑन टाइम समय पर क्लास में पहुंचने का इरादा लिए सारे बच्चे जा रहे थे सबको जल्दी थी फटाफट अपने स्कूल में टाइम पे क्लास में टाइम पे पहुंचने की शी लुकड़ा आउट ऑफ फैमुलर फेसिस वो बाहर देख रही थी फिर वो बाहर देखने लगी जाने पहचाने चेहरों को देखने लगी जिनको वो जानती थी डिड नोट नो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन अधिकतर बच्चों को वह नहीं जानती थी द रिकोगनाइज हर लेकिन बच्चे उसको पहचानते थे रिकोगनाइज होता है पहचानना वेरी uh, वेल well, अच्छे से पहचानते थे क्यों फ्रॉम द लाइफ लाइक पोर्ट्रेट क्योंकि एक बिल्कुल जानदार सा्र चित्र, चित्र बना हुआ था लाइफ लाइक -like. मतलब एक सजीव सा ऐसा फोटो मानो अभी बोल पड़ेगा पोर्ट्रेट मीन चित्र ऑफ फर्नी फर्नी का चित्र बना हुआ था फर्नी कौन मिसिज फर्नांडिस नेचरली ये जो मिसिज फर्नांडिस है इसको नेचरली फर्नी कहते थे वहाँ पर तो फर्नी का एक वहाँ पर फोटो बना हुआ था इन दी एंट्रेंस हॉल जो एंट्रेंस हॉल था स्कूल का वहाँ पर इसका एक फ़ोटो लगा था उस फोटो की वजह से बच्चे इसको पहचानते थे आर यू लुकिंग फॉर समवन मैम मैम क्या आप किसी को ढूंढ रही हैं सी ट्रेंड वो मुड़ी अराउंड पीछे की तरफ घूमी वो टू सी ये देखने के लिए कि ए लिटल गर्ल इन ए पीटी ब्लू ड्रेस कि वहाँ पर एक छोटी सी लड़की है जो बड़ी ही सुंदर नीले रंग की ड्रेस पहने हुए हैं उसको देखने के लिए मुड़ी और वो लड़की बोली बड़े ही सम्मान के साथ मैडम क्या आप किसी को ढूंढ रही हैं सी फेल्ट मिड मिलली सरप्राइज मिल थोड़ी सी वो थोड़ी सी हैरान हो गई वो थोड़ी सी हैरानी महसूस करने लगी कि ये कौन लड़की आकर के मुझसे बात कर रही है आई कुड हेल्प यू इफ़ यू लाइक अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ दी गर्ल ऑफ हर्ड स्वीटली लड़की ने ऑफर, पेशकश की स्वीटली बड़े ही मधुरता के साथ लड़की ने पेशकश की आप कहें तो मैं आपकी कोई मदद करूँ विद ए स्माइल एक ऐसी मुस्कुराने के साथ दैट रिवेल्ड ए मिसिंग अपर टूथ और ऐसे मुस्कराई कि उसका ऊपर का जो एक दांत था जो मिसिंग था वो जगह दिखाई दी हंसते ही नज़र पड़ी कि इसका एक ऊपर का दांत मिसिंग है तो वह है ऐसे मुस्कराई दैट रिवील्ड रिवील्ड मीन भेद खोलना कि इससे भेद खुल गया कि उसका ऊपर का एक दांत मिस है गायब है थैंक यू चाइल्ड फर्नांडिस बोली थैंक यू बच्चे दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू आपकी बड़ी मेहरबानी आई एम नॉट लुकिंग फॉर न्यू फेसेस मैं नए चेहरों को नहीं तलाश रही हूँ आई एम नॉट लुकिंग फोर मैं नहीं तलाश रही हूँ न्यू फेसिस नए चेहरे नहीं जस्ट ओल्ड फ्लेसिस मैं तो केवल पुरानी जगह को ढूंढ रही हूँ कि यहाँ पर क्या क्या बदल गया है एक साल में मिसिज़ फर्नेंडिस ट्विंकल्ड एट हर ओन लिटल जोक्स मिसिज फर्नेंडिस ने उस लड़की पर अपना एक ख़ुद का मजाक किया जोक किया ट्विंकल्ड मीन मतलब मुस्कराते हुए जोक किया मिसिज फर्नेंडिस ने मुस्कराते हुए चहचाते हुए ट्विंकल क्या होता है कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार चमचमाते हुए उसने चमचमाते हुए या मुस्कराते हुए लड़की पर एक जोक किया मजाक किया बट डिड नॉट एलेबरेट लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया एलेबरेट होता है जानबूझकर करना मतलब उसका दिल दुखाने के लिए नहीं किया सो वट इज़ योर नेम और पूछने लगी तो बताइए आपका नाम क्या है तो लड़की बोली तारा वेल माई लिटल स्टार अच्छा मेरे प्यारे बच्चे भाई आर यू इन ए कलर ड्रेस आप कलर ड्रेस क्यों पहने हुए हैं आज तो फंक्शन है सभी बच्चे एक ख़ास ड्रेस पहने हुए हैं फंक्शन वाली आप स्कूल की ड्रेस में ही नहीं आप तो कलर ड्रेस पहने हुए हैं आर यू पार्ट ऑफ दी वेलकम सॉन्ग ग्रुप ये ड्रेस क्या आपने इसलिए पहन रखी है कि क्या आप वेलकम सॉन्ग ग्रुप में गाना गाओगी उस पार्टी में हो क्या आप ग्रुप में हो ग्रुप सॉन्ग करोगी आर यू पार्ट क्या आप एक हिस्सा हो ऑफ दी वेलकम सॉन्ग ग्रुप वेलकम सॉन्ग ग्रुप का आप हिस्सा हो क्या स्वागत गीत के ग्रुप का आर दे नोट दिन होम क्लोथ टूडे क्या आज ये वेलकम सॉन्ग वाले घर के कपड़ों में नहीं है आर दे नोट दंस क्या वे लोग नहीं है इन होम क्लोथ टूडे घर के कपड़े पहन के नहीं आए हैं आज मिसिज फर्नेंडिस आस्क मिसिज फर्नैंडिस ने पूछा ग्लैड उसको खुशी हो रही थी टू हैव समन न्यू कंपनी कि उसे बात करने वाला कोई मिल गया था न्यू कंपनी नई संगति मिल गई थी वाई डू यू थिंक मिसिज फर्नेंडिस कॉल दी गर्ल लिटल स्टार आप ऐसा क्यों समझते हैं कि मिसिस फर्नेंंडिस ने उस छोटी लड़की को लिटल स्टार क्यों कहा तो ये आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे ओके okay बेटे हैव ए नाइस डे